बॉयज एंड गर्ल्स, पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं, अभी इतने बच्चे रो रहे हैं ना इस टाइम पे, यहाँ पे ना कोई 50 बच्चे हैं इस घर में इस वक्त ना। हाथ नहीं रुकना चाहिए। गर्मा गर्म कबाब लगने शुरू हो गए और मेरी जेब भी गर्म हो रही है इस टाइम से। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज का व्लॉग है थोड़ा स्पेशल। ये मेरे बेटे आइजन का कीका है आज। तो अभी इस वक्त मैं आया हुआ हूँ केक शॉप पे। एज यू कैन सी, मैंने अभी इसके कीके का केक लिया बेसिकली, और हमने बेसिकली ना स्काई थीम रखी हुई थी आइजन के लिए ना। तो वो देखो केक जो है वो कितना प्यारा बनाया उन्होंने। ये ऊपर टेडी बियर भी लगाए हुए हैं, ये देखो ये आइजन उस पर लिखा हुआ है, एयर बलून, ये क्लाउड्स बने हुए हैं, पूरी क्लाउड स्काई वाली थीम रखी थी ना हमने। कह रही बहुत सॉफ्ट केक है तो उसको थोड़ा ना एयर ड्राई होने दो और घर जाके ना फ्रिज में रख देना। तो घर का रास्ता है 20 मिनट का। मुझे डर है ये केक कहीं उड़ के गिर ना जाए, कोई ब्रेक लगे खींच के, तो बड़े आराम से मुझे गाड़ी ध्यान से होके चलानी पड़ेगी। काफी ज्यादा भी चीज प्रिपेयर करनी है। ये पीछे लाइट्स भी पड़ी हुई है, लाइट्स भी लगानी क्योंकि इवेंट थोड़ा शाम को है। तो बस इसी गर्मा गर्मी में लगे मैं भाई कल से, क्योंकि काफी ज्यादा मेहमान, काफी ज्यादा लोग आने। तो खैर आपको सारा प्रोसेस इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। एनीवेज लेट्स गो होम बिफोर दिस केक स्टार्ट्स मेल्टिंग होने लग जाए। घर हम वापस आ गए हैं और गाड़ियां अपनी सारी खड़ी हो गई है बाहर, तो मुझे नहीं भी पता घर पे क्या हो रहा है। खैर मैंने तो अभी ये केक पकड़ना और इसको अंदर पहुंचाना है भाई। तो खैर बाकी चीजों के लिए भी मैं बाद में आऊंगा, पहले ये जरा हम केक ले जाएं जरा ध्यान से। अच्छा केक बनाया उन्होंने स्काई थीम का सारा। सलाम कह दो, लोग मिस कह रहे हैं। You wanna put on some makeup before you come? Already beautiful. ये जो हमारी पार्टीशन है यहाँ पे तार पे, यहाँ पे लेडीज हो जाएंगी, कल मैंने आपको बताया था व्लॉग में, और इधर होंगे सारे जेंट्स। हाँ बहुत अच्छा कर दिया। हाँ सही है, हाँ टेबलें यहाँ पे लग जाए। खाना कहाँ बनाएगा, उधर पीछे सारा ग्रिल। अच्छा जो ग्रिल है ना वो सारी पीछे होगी, और इस दफा ना हमने यहाँ पे सारी ये देखो जगह बना ली है। तो बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अब देखो ज्यादा सारा क्लीन क्लीन हो गया, पहले तो गंद वंद मचा हुआ था। तो सो फार अभी यहाँ की डेकोरेशन कुछ इस तरह की है। अब हमने जो केक के लिए ना वो टेबल लेने, मैंने वॉलमार्ट पे जाना है, टेबल नहीं बेसिकली उसके लिए एक स्टूल ले लेंगे ऊंचा वाला नहीं होता, और कुछ आइस के बैग पकड़ने हैं वो बोतलों शोतलों के लिए ना। तो आपको पूरी पार्टी की प्रेपरेशन दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ। अब बाहर आके देखते हैं थोड़ा, ये देखो जरा सारे ना अब उस पर चादरें वगैरह चढ़ गए टेबल पे, और हाँ वहाँ दिखाओ ना, ये देखो ना जरा, ओए सारी प्रेपरेशन हो गई है। बीच में ये बस एक रॉड लगेगा जो पार्टीशन कर देगा ना औरतों की और मर्दों की बेसिकली। यहाँ पे ये लाइट्स वाइट सारा कुछ अभी बड़ा अरेंज होगा खूबसूरत, आप देखना रात को। मैं मामू को बार बार दिखा रहा हूँ ना जब क्या। तो बॉयज एंड गर्ल्स फिर आपको सीधा जाके वॉलमार्ट पे मिलते हैं। ये कि हम आ गए हैं वॉलमार्ट पे एज यू कैन सी, और जल्दी से बस मैंने यहाँ से सामान पकड़ना और निकलना है। वॉलमार्ट पे आए हुए भी बड़ा अरसा हो गया मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। होम अप्लायंसेस वाली जगह पे आए हुए, तो बस आई थिंक वो आगे कुर्सियां वगैरह पड़ी होती हैं, स्टूल मिल जाएगा ना लंबा सा दो के, उस पे ना फिर वो चादर बिछा के आराम से केक रख लेंगे। दूसरा मैंने आइस के बैग्स पकड़ने हैं, बर्फ ना सोडास के लिए, और एक दूध पकड़ना और ये छोटी मोटी चीजें ना। तो चलो देखते हैं कौन सी चेयर अवेलेबल है। कुछ स्टूल आ गए हैं आई थिंक, ये वाला जो स्टूल है ना काफी बड़ा है, चेक करो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो जाएगा, हमें इतना भी नहीं ऊंचा चाहिए। लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि लेंथ है वगैरह कितनी। बॉयज एंड गर्ल्स एक इशू हो गया है, वॉलमार्ट पे तो हमें स्टूल नहीं मिला, बाकी कुछ ग्रोसरीज थी वो पकड़ ली, जो बर्फ वगैरह लेनी थी वो पकड़ ली, लेकिन अब हमें स्टूल कहीं और पे जाना है। एक जगह एट होम के नाम से ना घर की एक्सेसरीज मिलती है, वहाँ पे जाके देख लेना, वहाँ पे सामने चीजें पड़ी होती है। वॉलमार्ट ना बहुत ही गंदा ट्रैशी हो गया ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो खैर उधर जाके आपसे मिलता हूँ, होपफुली वहाँ पे कुछ मिल जाए। हाँ भाई हम आ गए एट होम, अब इधर मिल जाना चाहिए अल्लाह करे। एक स्टूल की बात ही है, इतने बड़ा घर का स्टोर बनाया हुआ, कुछ तो मिल ही जाएगा हमें। कोई मैं स्टोर में कभी आया नहीं वैसे बॉयज एंड गर्ल्स, बड़ा कलरफुल सा स्टोर है, रंगीन रंगीन सा। ये देखो भूतों की शक्लें बनाई हुई है, हेलोवीन अभी आई नहीं, पहले ही इनकी ना वो डेकोरेशन वगैरह सारी शुरू हो जाती है। ये देखो ना सारा हेलोवीन का सामान, भूत छूत का, जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रैगन ड्रूगन भी यहाँ पे लगे हैं। वाह यार ये देखो जो सारे भूत भूत के सामान पड़े ना, लोग यहाँ से फिर सारा सजाते हैं। मैं तो अभी इस वक्त स्टूल देखने आया था, वही देख के निकलते हैं, घर पे सारे वेट कर रहे होंगे। गर्ल्स फाइनली एक स्टूल मिल ही गया मुझे, ये जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका मसला कि ये ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसके लिए ना कोई नीचे कोई चीज रखनी पड़ेगी। देखो ये ना असल में यहाँ तक आ रहा है मेरे हाथ तक ना, आधा घंटा मैंने स्टोर में लगा दी, मुझे लग रहा है बर्फ ही ना पिघल गई गाड़ी में। खैर अब आपसे घर पे सीधा जाके मुलाकात करते हैं, मेहमान भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में।
हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू कैन सी आपका भाई ये देखो प्रिंस बन गया ऊपर से नीचे लेके। ओए होए 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 क्या लुक है, बड़े अरसे बाद शलवार कमीज पहनी है, चिकने चिकने जूते एज यू कैन सी। बाय द वे मैं अपने आप को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको माहौल दिखाने के लिए, तो ये तो आपने पहले देख लिया होगा। हमारे पास एक केक रखने के लिए ऊपर टॉपर भी है, ये भी आ गया जो मैंने भी लिया स्टूल। उसके बाद ये आइजन की है। ओए 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 मेरे लाडले ग्रैंड सन की जोनसी है ना की का पार्टी है, हम सब ने सुबह से जोनसा है, सुबह से नहीं बल्कि एक हफ्ते से हम लोग हफ्ते से लगे हुए। हाँ ऐसे आसान काम तो नहीं था, काफी बड़ी पार्टी इंशाल्लाह था। लास्ट टाइम आपको नहीं दिखाया था हमने, लेकिन देखो अब ये पार्टीशन जो है ना वो सही तरह बन गई है सारी। ये सारी मर्दों की साइड आ गई और आप जैसे चेक कर सकते हैं औरतें अंदर भी बैठेंगी ना, इसलिए साइड थोड़ी बड़ी है। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी मैं पिज्जा लेने जा रहा हूँ, हमने पिज्जा स्टिल में ऑर्डर किए कि शुरू में लोग थोड़ा एपेटाइजर खा लें क्योंकि जो हमारा कुक है ना वो आ जाएगा थोड़ी देर में, कोई आधे घंटे 40 मिनट तक ना, तो जब वो आएगा फिर वो सारा खाना बनाएगा तो उसमें तो टाइम लगता है ना। चलो फिर पिज्जा लेने चलते हैं, आपको पिज्जे की दुकान पे मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स जी हम आ गए हैं पेलियोस पिज्जा कैफे पे, मैं जल्दी से अंदर पिज्जा लेके आता हूँ यहाँ पे और फिर लेके जाना है क्योंकि टाइम हो गया है मेहमान आने वाले। रेल पेल में मेरा सारा टाइम गुजर जाएगा भाई, ऊपर से सारे कपड़ों में पसीना शीसीना लग गया मेरे, तो मैंने कहा वो रिस्क कम हो जाएगा भाई का ना, और अगर रिस्क कम हो गया तो फिर मैं सिग्मा कैसे बनूंगा कीके के अंदर। खैर एनीवेज पिज्जा ले आऊं जल्दी से। 10 सेकंड्स लेटर। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि दुनिया की कौन सी खुशबू बेस्ट है जब आपको भूख लग रही हो, तो मेरा जवाब हर दफा होगा पिज्जा। और ये चेक करो कितने पिज्जे हैं, पांच डब्बे उधर है, पांच डब्बे उधर है, ओए होए होए, और एक भूखा मूसा खाना। दिल करना पार्टी शार्टी को मिस करा के सारे पिज्जे मैं खुद ही खा जाऊं, लेकिन नहीं यार ये बच्चों के लिए होते हैं बेसिकली, हम तो खाएंगे भाई अगवानी टिक्के, जो बकरे काटे थे ना उनके बनेंगे लैम बोटी, पुलाव कढ़ाई। हाय 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 हाय, पानी टपक रहा है आपके भी मुंह से आ रहा होगा, शायद मोबाइल की स्क्रीन पे गिर जाए। टिक्के पे जाके आपसे मिलते हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी सारे मेहमान आने लगे हैं, काफी ज्यादा रश लग गया और हमारे जो खाने वाला बॉय आ गया फाइनली। वालेकुम सलाम। फिर अब हमने सारा गाड़ी से सामान लेना है, काफी ज्यादा बच्चे हैं और लोग बच्चे काफी ज्यादा लोग आ गए हैं, अब ये देख ही सकते हैं ये गाड़ियों की तादाद देख लो यहाँ पे, वो एंड तक लेन लगी हुई है और वो आगे जाके, और अभी आ रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो भरे ही नहीं अंदर भाई, तो हम जरा सामान सारा खाने का पकड़ रहे हैं। सूफी येलो रिकॉर्ड कर लो, आप रिकॉर्ड करो सिर्फ, ठीक है सही तरह रखने। बनी पीछे पीछे फॉलो करना। अंदर बहुत ज्यादा रश हो गया, सब फुल टाइम सबक दिया रही कुछ, इसमें से जो दो दो हिस्से ना दो लेडीज के लिए होंगे दो जेंट्स के लिए होंगे, बाहर जा रहे हैं ठीक है। अच्छा अपना इसमें हमें नहीं पता अभी क्या, आपको खोल के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रखना और बाहर क्या लेके जाना ना। उई, क्यूटी, उई, किची हो। सलाम अलैकुम। यस यस सो ब्यूटीफुल, वाओ सो ब्यूटीफुल। सलाम अलैकुम। यस हाँ जी ओके ओके। बॉयज एंड गर्ल्स ये है पूरी एक और आगे कॉल भी है। ओए 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 इतने क्यूट। बॉयज एंड गर्ल्स ये टिक्को का सामान भी जो है ना वो बाहर अलग से लाइव बारबेक्यू हो रहा है, और जो बाकी खाना था ना वो तो अंदर लेडीज के लिए गया है, हमारी लेडीज भी बहुत ज्यादा खाना खाती है। बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज राफे, राफे से मैं मिला था थ्रू कोचिंग, पर मुझे कहते मैं बिल्कुल फोर्ट बहुत पास है, तो मैंने कहा अरे भाई आ जा तू यहाँ पे, हम जरा कीका वगैरह दावत कर रहे हैं, तो ये आया मेरा बॉय, बड़ी खुशी हो रही है साहब मुझे हेल्प कर आ रहा है, थैंक यू फॉर कमिंग माय मैन। आ जाओ सारे बारबेक्यू का सेटअप हो रहा है। बाय द वे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी है बेसिकली की अगर किसी ने कोई आ रहा है। सलाम अलैकुम। सारा हमारा बारबेक्यू स्टेशन यहाँ पे सेटअप हो रहा है। ओके मामू और हैं कोयले कह रहे हैं, मेरे पास एक ही बैग है, हमारे पास पड़े हैं बॉयज एंड गर्ल्स कोयले देखते हैं, हमारे पास कम पड़ रहे हैं, बड़ी समस्या बनी हुई है। ओए 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 क्यूटी क्यूटी क्यूटी, ओए ओए हंस रहा है जोहान जोहान, ये रोहन औरहान इधर देखो इधर, ओए नहीं देखना नहीं, ओए ओए तो आया था लास्ट टाइम छोटा सा था ये बड़ा, आ जाए गुस्सा कर रहे हैं देखो, नहीं ये नहीं देना मैं, नो नो हो
बॉयज एंड गर्ल्स अपडेट ये है कि गर्मा गर्म कबाब लगने शुरू हो गए और मेरी जेब भी गर्म हो रही है इस तरह। एनी वेज बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि इस वक्त कबाब लग रहे हैं उधर ठीक है और इधर अफगानी लैम्प टिक्के आए हाय 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 कोयलों के ऊपर प्रॉपर किस्म के। बाकी ग्रीन टी वगैरह भी बनाएंगे। काफी ज्यादा लोग इस वक्त आ गए हैं हमारे और माहौल वाला सज रहा है। वो देखो दोनों गुल्लू गुल्लू भाई एक साथ बैठे हुए। गर्ल्स पॉइजन गर्ल जिसके लिए कीका था ये तो अब उठ गया ठीक है तो क्रैंकी हो रहा है इसको जरा लग रही है भूख हैवी किस्म की है भूख लग रही है। चलो जी बस हो गया। टेस्ट कैसा है इसका बिलाल बताओ? बेहतरीन टेस्ट है। कल तुम्हारे भाई ने बकरा खुद जिब्बा करके मारा था। फ्रेश था ना वो फ्रेश तो इसलिए पता चल रहा है। बस देख ले एक मिनट तू क्या ये सब्जियां खा रहे हैं यहाँ पे गोश्त वोश्त और ले जरा तुम्हें जान चाहिए भी आगे गोश्त निकलेगा भी तो सही ना बाहर। ये कौन सी साइंस है? फाइबर चाहिए। ओए हाँ 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 हमें नहीं चाहिए होता। ये क्या उठाया है? क्या है? हाँ स्पेशल तरीके का भाई। मोबाइल से भी करता हूँ ना मोबाइल से अच्छा 4K लेकिन इससे ना स्टेबलाइजेशन है हिलता नहीं है ज्यादा ना। पिज्जे वाली पार्टी नहीं मिल लग रहा कोई आएगी। इस डिश का नाम क्या? दो प्याजा। दो प्याजा और हमारे पास यहाँ पे पुलाव हैवी किस्म का। मैं रफे एक कर सकते हो रिकॉर्ड हो रहा है बस मैं खोल दूंगा। कैसा यूट्यूबर हूँ मैं यार अपने व्यूअर को बुलाया उसी से काम करा रहा है। खा नहीं रहे तुम यार? ये उम्मीद है जो बकरा मैंने काटा था उसी का होगा। जिंदाबाद मुबशर पुत्र। मजा ही आ गया। क्या मजे गए यार चारों तबक रोशन हो गए भाई के। बस अब मैं काम पे वापस जाता हूँ नान लेके आने। मैंने सारे काम मेरे से करवा के खुद यहाँ पे अकेले छुप के खा रहे हैं ये। लेकिन देखो सबसे जरूरी काम ये है ये व्लॉग नहीं बनेगा ना तो कुछ नहीं होगा। ये ना व्लॉगिंग में हाँ एग्जैक्टली देखो ना आज का दिन गुजारोगे इसकी जैसे बार बार इसको देख के गुजारोगे। एक मेमोरी हो जाएगी। बाबू शतानी सोच रही है ये तो गाना गाने आया था उसको उस पर लगा दिया। प्रोफेशन बदल दिया इसका। हाथ नहीं रुकना चाहिए। गर्मा गर्म सिजलिंग करते हुए जो भी है यार सारी सब्जियां भर के तुमने चम्मच में कह रहे हो आजा आजा। हाँ ये हुई ना बात। ज्यादा नहीं ये 4K हाँ करता है 2.7K भी करता है और 1K भी ना तीन उसमें ऑप्शन है। क्या सर मुझे कबाब है गर्मा गर्म जर्मन लॉर की याद आ गई मजा आ गया यार। तो पता नहीं मुझे अभी डिश का नाम भूल जाता हूँ बड़ी मजे की लग रही है। आई थिंक सो मटन टाइप। ओए यार ये सही गालम डिश है कबाब से भी बेहतर है। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। ये अफगानी स्टाइल कढ़ाई है भाई। अफगानी वाले सही गोश्त का ना वो कितना मजा निकालना। लोग ही ऐसे क्या कर रहे हैं ये देखो जरा हमारे साथ बैठे हैं भाई। अच्छा एक मिनट जरा ऑडियंस को तरसाता भी हूँ ये तुम्हें याद होगा इस पे जरा ये जूम मारो जरा बस ये अरे ये चेक करो जरा वोट ये मीठे चावल के साथ मटन का गोश्त क्या बात। सीने के भी हम सारे नमाज पढ़ के फारिग हुए थे ठीक है। तो वाइफ कह रही है मेरी कि जो आइज है ना उसका मूड अच्छा तो अभी आके केक काट दो। तो बस अंदर जाके केक काटने लगे हम। व्हाट्स योर नेम? अहमद। ओ क्यूटी पटूटी यू वांट टू कम इनसाइड एंड कट द केक? वी आर अबाउट टू कट द केक। बॉयज एंड गर्ल्स पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं। अभी इतने बच्चे रो रहे हैं ना इस टाइम पे। यहाँ पे ना कोई 50 बच्चे हैं इस घर में इस वक्त ना। हमारा वाला चुप है लेकिन अभी सीनियर की केक कटने का टाइम हो गया इस वक्त। ओए होए 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 इतने बच्चे रो रहे हैं। बच्चों की लाइन लगी यहाँ पे। लो जी ओए होए होए मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चों को बुला रहे हैं। लुक देयर आई कैन कम हियर हियर एंड लुक देयर ओ नो बाय Clapping. Come on. Is this a ball?
चम्मच है कोई? चम्मच है मेरा। दिस इज बॉल, दिस इज टॉय। नो नो नहीं लग जाएगा आपको। नो 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 नो, इट्स डेंजरस। नो नो, ओके वो की कटोरी ले। तो किसकी बारी है? ओके बच्चा पार्टी पर आ गया। Too much man, कौन रो रहा है? इसको तो पकड़ाओ ना पहले। ले लो ये, लो ये, लो ओके 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 इमो इसको मिल गया। सारे बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता केक की ड्यूटी लगी हुई है मामी की। हियर यू गो। ये क्या नाम है इसका छोटी का? ये लो एक मिनट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बच्चों को केक परोस दूँ, मेरा तो अभी यही काम चल रहा है। और किसका बेबी रह गया भाई? ये लो आ जाओ ये। चलो हर वक्त में लर्जत मारो सर थो पपो मुझे के दर दिल दोष तम रखे गो तने स्मरो हर वक्त में काम खराब हो गए इवेंट में ना। एक दुख की भी बात हो गई, एक लाश पड़ी हुई हमारी यहाँ पे ना। देखो थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ, क्या हो गया। सक्सेसफुल इवेंट माशाल्लाह, सब कुछ सही हुआ। सो नाइस ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन बिकॉज आई नो देयर विल बी लॉट ऑफ गेस्ट वाचिंग दिस वीडियो। मैं सबका दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ, सब आए और हमारी पार्टी को चांद चांद लगाए। और थैंक्स फॉर ऑल द गिफ्ट, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम लोग गेट टुगेदर करते रहेंगे। बट इट वॉज अ ग्रेट पार्टी और सबने बहुत अच्छा शरीक किया, बहुत ज्यादा मजा आया और इतना एंजॉय मैंने बड़े अरसे बाद किया है। सो अगेन थैंक यू फॉर एवरीवन हु अटेंडेड। और इस व्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत लंबा मैंने बनाया, सुबह से मैं बना रहा हूँ इसको ना पूरा कवरेज करके। तो होपफुली आपको मजा आया होगा सारी जर्नी देख के कीके वाली। देयर इज अ लॉट मोर कमिंग, अ लॉट ऑफ फन, हंटिंग वाले ट्रिप्स वगैरह सब चीजें आ रही, टेंशन नहीं लेनी। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान और बेल आइकन भी दबा दें जो जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं। ठीक है, लव यू गाइस। मुआ नहीं, थैंक यू सो मच।